लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र स्थित अशरफ नगर काला पहाड़ निवासी एक मासूम की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया, जहां अहमद सैफी के मासूम 7 वर्षीय पुत्र को पड़ोसी नाबालिग किशोर द्वारा साथ बुलाकर ले जाने एवं झील में धक्का देकर मार दिए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं देखा जाए तो परिवार के आरोपों का समर्थन CCTV फुटेज भी कर रहा है, जिसमें साफ तौर पर साइकिल सवार किशोर द्वारा बच्चे को धक्का देकर झील में गिरा दिए जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक बच्चे की मां गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वो पैरालाइज है, उसका भी रो रो कर बुरा हाल है, जहां वो चल फिर भी नहीं सकती। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 माह पहले दिल्ली से ये परिवार यहाँ इलाज कराने आया था। इसी बीच दोनों परिवारों में कुछ कहासुनी हुई, कई बार जान से मारने का प्रयास हुआ, अंततः इस घटना को अंजाम दिया गया। परिवार का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में प्रशासन में तैनात मोहम्मद खालिद मुख्य सूत्रधार एवं धमकी देने व अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पूरे घटना को दबाने का काम कर रहे हैं। साजिश के आरोपी खालिद, जो कि मंडलायुक्त का पेशकार बताया जा रहा है, आरोपी का रिश्तेदार सगा मामा बताया गया एवं उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस संबंध में DCP पश्चिम राहुल राज शर्मा द्वारा भी बयान जारी किया गया एवं वास्तविक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अहमद सैफी। क्या मामला हुआ था? सर मामला ये हुआ था, घटना से 3-4 दिन पहले एक छोटा सा विवाद हुआ था साइकिल को लेकर। तो वो कह रहे कि आपका बच्चा साइकिल छीन कर ले गया और ये है वो है, आपने ये तमीज़ सिखाया है। और किससे विवाद हुआ था? मेरे बच्चे से। आपके बच्चे से? और किसका विवाद हुआ? हमसे विवाद करने लगे थे। फिर कौन लोग कर रहे थे विवाद? उनके घर वाले। नाम क्या है उनके? जहीन, और वो उनकी लेडीज वगैरह आई थी एक। अच्छा। उनके घर से तो वो हमसे आके यहाँ लड़ने लगे कि आपका बच्चा साइकिल ले गया और बच्चे को बताइए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे या लड़ेंगे आपसे। अच्छा, 3 दिन पहले की बात है? 3 दिन बाद। हाँ। 3-4 दिन पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम बच्चे को ढूंढ के लाए, फिर हमने शर्मिंदगी के साथ कहा उनके बच्चे को देखते हुए कि देखिए सर, मेरा बच्चा इतना बड़ा नहीं है जो आपके बच्चे से साइकिल छीन ले जाए। ठीक। इन्होंने ज़रूर दिया होगा, फिर भी हमने शर्मिंदगी के साथ हम खुद ढूंढ कर लाए उनके सामने, और वो भी गए थे ढूंढ कर लाए, तो उनके सामने हमने अपने बच्चे को चांटा मारा, कहा बेटे आपने क्यों छीनी। ठीक, ये तो 3 दिन पहले का विवाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो धमका के चले गए हमको। फिर उसके अगले दिन उनके बेटे ने मेरे बच्चे को गली में घेर के बहुत ज़्यादा पीटा है, मतलब बाल पकड़ के खींचे हैं, उसको खचेड़ के ले जा रहा था। फिर एक मोहल्ले वाली आंटी ने उनको मतलब देख के उनको अलग करके बचा दिया बच्चा मेरा। कहाँ की घटना है ये? ये यहीं गली के कोने की घटना है। उसके सर 2 दिन बाद फिर वो बच्चे को बुलाकर झील पर ले गया है। झील कहाँ पड़ती है? झील सर यहाँ से 150 मीटर दूर है। दूर है लगभग यहाँ से 200-400-500 मीटर दूर। 150 मीटर दूर है। अच्छा, तो बुला के ले गया? हाँ, बुला के ले गया। जो बच्चा बुला के ले गया उसका घर किधर पड़ेगा? उनका घर 2-3 घर आगे। अच्छा, यही पड़ोस में रहता है? पड़ोस में। अच्छा जी। और वहाँ की फिर CCTV की फुटेज सारी वारदात बताई रही है कि एक बार में धक्का दिया नहीं। क्या CCTV में दिख रहा है धक्का देते हुए? जी बिल्कुल, लेकिन एक बार में नहीं, वो बार बार खींच के कोशिश कर रहा है खींचने की। लास्ट टाइम पे वो गले में हाथ डाल के लाके खड़ा करते हैं किनारे, फिर पीछे से एकदम धक्का मार देते हैं। अच्छा, तो पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। प्लानिंग से मतलब? तो फिर बच्चा क्या हुआ, आपका अस्पताल ले गए? बच गया बच्चा आपका? नहीं, बच्चा अस्पताल लेके गए थे हम। हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, तो उसके बाद में क्या हुआ, मुकदमा कायम हुआ? उसके बाद में सर हमने उनसे मतलब कहा तो वो गलती नहीं मानने थे कि नहीं मेरा बच्चा आज यहाँ था ही नहीं। मेरा बच्चा आज यहाँ था ही नहीं। फिर हमने उनको बच्चे को बुला के पूछा, तो फिर वो बहरहाल जो भी है मतलब बात खुली, फिर वो माने, फिर वो मतलब आपका कहने का मतलब है कि बच्चा डूब गया और उस बच्चे ने साथ में आकर के बताया भी नहीं। मतलब ये साजिश थी, ये क्राइम था, ये खबर ही नहीं की उसने कहीं, पूरे मोहल्ले में खबर नहीं की। रिपोर्ट दर्ज हुई आपकी? हाँ, रिपोर्ट दर्ज। क्या हुआ, अभियुक्त लोग गिरफ्तार हुए हैं? नहीं हुआ कोई, मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब हम ही लोगों के दबाव में लाके आके मतलब वो पुलिस वाले उनको ले गए बिठा के, और जैसे हम फिर हमारी जबरदस्ती जल्दी जल्दी मिट्टी लगवाइए कि अब अपनी मिट्टी खराब ना करिए, मिट्टी लगाइए अब हम कार्रवाई करेंगे, ये दिलासा दे के चले गए। क्या चाहते हैं आप? उसके अलावा आप कहीं बड़े अधिकारियों के पास कहीं दौड़े, क्या हुआ? हम अभी बड़े कहीं नहीं गए हम बड़े अधिकारी के पास। आपके घर में क्या स्थिति है इस समय? सर स्थिति ये है, माँ बच्चे की पैरालाइज है 6 महीने से। हाँ, वो तो अभी देखा है, इलाज चल रहा है उनका। वैसे ही घर की स्थिति भी डाउन हो चुकी है इलाज कराते कराते, बाकी इसलिए कोई हमारी सुनवाई भी नहीं कर रहा है। केस वापस लेने के लिए मतलब हमारे पास वो भी आया था कि मतलब धमकी दी थी उन्होंने कि केस वापस लो वरना हम तुम्हें उल्टा फंसा देंगे। जानकारी में आया कोई इनके यहाँ व्यक्ति कोई शासन में है, कहाँ है? हाँ, वो DM की उन्होंने कहा था कि हम DM ऑफिस में हैं और मतलब उल्टा तुमको लटकवा देंगे, ये हमको धमकी दी थी।
अच्छा, कौन कौन कह रहा है, मंडला कोई कह रहा है, डीएम कौन से ऑफिस में? हमें उन्होंने जो कहा है डीएम का कहा है, जो धमकी दी है डीएम के नाम से। अच्छा, पता क्या चला? बाद में पता चला है कि वो किसी मंडला आयुक्त में पेशकार है। अच्छा, पेशकार। क्या नाम है उनका? खालिद नाम है।